आज मुझे नहीं खरीद रहे हैं, हमारे समाज को खरीद रहे हैं। और मैं समाज को ही हूँ आपके साथ बेचने के लिए मैं आया नहीं हूँ, मैं आपसे लड़ने के लिए आया हूँ। आज हमारे साथी ने कहा कि आपके विधायक भाग गए। वो लोग कहते हैं अरे भैया विधायक कहाँ भागे, विधायक को खरीदा गया। और इस संसार में जो विधायक को 100 करोड़ रुपया दे दे वो विधायक क्यों रुकेगा, उसको डर दिखाएंगे कि आप हमारे साथ आओ नहीं तो मैं आपको ईडी के पास भेज दूंगा, सीबीआई लगा दूंगा, मरवा दूंगा। तो भला वो क्यों रुकेगा, वो बिक गया। आज मारने वाले से ज्यादा गुनहगार है मरवाने वाला। तो आप सबको पता है कि गुनहगार कौन है, वो विधायक क्यों ही नहीं गया। वो विधायक तो था 15-16 महीना, जब उनको अच्छा ऑफर दिया उनको धमकाया फिर गया। और क्यों किया, क्योंकि वो देखा कि मुकेश सहनी को रोको, इस मुकेश सहनी को अभी नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में ये रुकेगा नहीं। जिस तरीके से नीतीश कुमार आगे निकल गया, आज उनको 20 साल से उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। अगर मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज चाहता है, पिछड़ा समाज चाहता, इनके पास अपना 15-16% वोट बैंक है और इनके साथ अगर बिहार के लोग जुड़ गए तो इनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। इसलिए मुकेश सहनी को कमजोर करो, इनके पहले तो कोशिश करो कि इनको विलय कराओ, नहीं बात मानो तो इनको परेशान करो। तो वही किया और मुझे लगता है कि जितना वो कर रहे हैं उससे अधिक और करेंगे। अब मुझे उसका परवाह नहीं है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपनी लड़ाई लड़कर अपने हक अधिकार में लेके रहूंगा। मैंने तो हमेशा कहा कि अगर मेरे अधिकार अगर सुई के नोक बराबर भी है तो मैं अपने अधिकार के लिए दुनिया के हर ताकत से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूं, मैं लड़ाई लड़ने के लिए हूं। थोड़ा मेहनत होगा लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे और कामयाबी हासिल होगा। आज बताइए ना, आपने 2020 में आपने इतिहास रचने का काम किया। आपके पास भले 4 विधायक था लेकिन कोई 74 विधायक से कम नहीं था। आपको पता है कि जब सरकार बना था 125 विधायक का समर्थन से सरकार बना था, उसमें 4 विधायक आपके पास था। और 122 में सरकार बनता है और 125 में से 4 अगर निकाल देते हैं तो 121 हो जाता है, सरकार नहीं बनता है। और आपने पहली बार बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर उस रोज अगर हम समर्थन नहीं देते तो आज का जो बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है तो शायद उस रोज वो शपथ नहीं लेते और आज बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते। आज पहली बार एक निषाद का बेटा ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये सरकार तो हमारी थी, आज उनके पास ताकत है, हमारे बनाए हुए घर से हमें बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, लेकिन मेरे हौसला को नहीं खरीद सकता, हमारे लोगों के जज्बा को नहीं खरीद सकता। आज मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए साथियों, आपकी जिंदगी में बहुत सारे कठिनाई आएंगे, उसको झेलते रहना है और अपने मंजिल की ओर भागना है। और हर समय में आपके साथ अग्नि परीक्षा लिया जाएगा, इसके लिए संगठित होइए। पार्टी के प्रति जिस तरीके से पहले से आप हमेशा साथ रहे उसी तरीके से आप साथ रहे। आने वाले समय में जिसमें दम होगा वो बिहार के पे राज करेगा। आपके बिहार में आप देखिए 3 युवा आपको नजर आएंगे, एक लालू प्रसाद जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दूसरा स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, और तीसरा आपका सनत मल्ला। और दोनों का विरासत में उसको राजनीति मिला है, पिताजी ने उनको बना बनाया साम्राज्य दिया है। और आप सबको पता है 2014 से पैर रखा और 2020 6 साल में मैंने इतना बड़ा लकीर खींच दिया अपने दम पर आप लोगों के सहयोग से कि इसके लकीर के सामने बड़े बड़े लोगों को अपने हस्ती को ताकत उसको छोटा नजर आ जाता है। और आने वाले समय में लड़ाई होगा, जो दिलों पे जनता के दिलों पे काम करेगा उनके हक अधिकार की बात करेगा वो बिहार में काम करेंगे। और मैं तो देखिए जब भी जो समाज में लीडर जन्म लिया है उस समाज का भला हुआ है। हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी उन्होंने लीडरशिप लिया, देखिए उनका समाज कहां से कहां निकला। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, हमारे नीतीश कुमार जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी,
इन लोगों ने जब जब इनका शासन आया, सत्ता आया, सरकार आया, उन्होंने काम करने का काम किया और उस समाज यहाँ कितना आगे से आगे निकला। आज आपको भी अपने विचारधारा को जिंदा रखना है। आज मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था मछुआरा मछली बेचने के लिए उनके लिए शेड हो, उनके लिए दुकान हो, मार्केट हो। क्या मैं जो सोच रहा था गलत सोच रहा था? ये हक अधिकार है कि नहीं है? आज 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहार में बजट बनता है, इसमें क्या बिहार के 14% निषाद का ताकत नहीं है, उनका अधिकार नहीं है? आज उनका भी अधिकार है। अगर 2.25 लाख करोड़ का अगर बजट बनता है, अगर हम 14% है, तो आज 35,000 करोड़ रुपया खर्चा करने का अधिकार वीआईपी पार्टी में भी होना चाहिए। और मैं वही कर रहा था, मैं नए तालाब का निर्माण करा रहा था, हम मछली बेचने के लिए मछुआरा के लिए चार चक्का का व्यवस्था कर रहा था। SC ST को जो अनुदान दिया जाता है 90% अनुदान देने का हम काम कर रहे थे। हम सरकार में रहकर गरीब पिछड़े के लोगों के लिए काम कर रहे थे। ये जो सरकार होता है वो गरीब पिछड़े के लिए होता है, अमीर लोगों से तो टैक्स लिया जाता है, अमीर लोगों के लिए सरकार नहीं है। अमीर लोगों से तो टैक्स के तौर पे पैसा लिया जाता है, अब वही पैसा से गरीब के लिए व्यवस्था ले आया जाता है, गरीब के इलाज करने के लिए हो, गरीब के बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए हो। लेकिन आज गरीब का सुन कौन रहा है? क्योंकि गरीब का बेटा जब एक नंबर कुर्सी पे रहेगा तो ना, लेकिन उस कुर्सी पे हम है नहीं, इसलिए नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और मैं भी खुशी हुआ, हमने भी उनके लिए काम किया। लेकिन आज क्या हो रहा, हमारे परिवार में 5 किलो चावल दे रहा है लेकिन नौकरी हमको नहीं दे रहे। आपने देखा होगा 10% सामान्य वर्ग और लोगों को आरक्षण लागू किया गया, मोदी सरकार ने लागू किया। हम किसी समाज को विरोध नहीं कर रहे हैं कि गरीब अपर कास्ट में आरक्षण आपने क्यों दिया। निश्चित तौर पे अगर अपर कास्ट में अगर गरीब समाज है तो उनको भी सरकार से लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो आरक्षण के रूप में हो या सरकार का सब्सिडी के रूप में हो, उनको मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए। लेकिन उसका क्या, जिसको आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है, बंगाल में निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिला हुआ है लेकिन बिहार में निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला है। जहां दिल्ली में संविधान बना है वहां पे दिल्ली में निषाद के सभी को आरक्षण मिला है लेकिन बिहार में नहीं मिला है। आज हम लड़ाई वही लड़ रहे हैं कि समाज को आरक्षण दो, लेकिन आप हमको नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने 10% आरक्षण लागू किया। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रूपए से 1200 रूपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।